प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर कुछ कह रहे हैं, वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद वो कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। डेजिग्नेशन यहां दिया गया उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाने जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए, हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है, और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं, कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना, करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है, हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए, इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस, इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं।
और इसके साथ ही टेस्ट ट्रैक और ट्रीट इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है, जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटीपीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टीयर टू और टीयर थ्री शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे, लेकिन टीयर टू टीयर थ्री सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वायरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ड बैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब पूरा देश ट्रेवल के लिए खुल चुका है, विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए आज हर एक केस के ट्रेवल की, उसके कॉन्टैक्ट के ट्रेवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साझा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साझा करने के लिए किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन भी का भी एक प्रश्न है। आपके राज्यों में आपको वायरस के वेरिएंट का पता चलता रहे इसके लिए भी जीनोम सैंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही अहम है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है, यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कॉन्टेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहे ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी
और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे, एक बार कोशिश करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी ही हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आ गया। अंत में मैं कुछ बिंदु फिर एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई, ऐसे नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए, वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, जितना जैसा आपने मैप देखा होगा वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया, वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है, हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसका हमें फायदा तो लेना है लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है, अदरवाइज ये एक साल, दो साल, तीन साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी, और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं दवाई भी और कड़ाई भी, मास्क पहनना है, दो गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम जो पिछले एक साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है, फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है, उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सबने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार आपके सुझावों का धन्यवाद करता हूं, और भी जो सुझाव है आप जरूर भेजिए,
जो हॉस्पिटल के विषय में जो आज चर्चा निकली है, आप 2-4 घंटे में ही सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं शाम को 7-8 बजे के आसपास मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बॉटलनेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्यक निर्णय करने होंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री तुरंत कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीतते आए हैं, हम सबका सहयोग है, एक एक हमारा कोरोना वॉरियर का सहयोग है, उसके कारण हुआ है। जनता जनार्दन ने भी बहुत कोऑपरेट किया है जी, हमें जनता से जूझना नहीं पड़ा है, हम जो भी बात लेते गए जनता ने विश्वास किया है, जनता ने साथ दिया है और भारत विजयी हो रहा है 130 करोड़ देशवासियों की जागरूकता के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के सहयोग के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के कोऑपरेशन के कारण। हमें जितना जनता जनार्दन को इस विषय पर फिर से जोड़ पाए, फिर से विषय को बताएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बदलाव नजर आ रहा है, हम उस बदलाव को फिर से एक बार रोक पाएंगे, फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आप सबने बहुत मेहनत की है, आपके पास इसके एक्सपर्टाइज टीम बन चुकी है, थोड़ा आप डेली एक बार दो बार पूछना शुरू कर दीजिए, सप्ताह में 1-2 बार मीटिंग लेना शुरू कर दीजिए, चीजें अपने आप गति पकड़ जाएगी। मैं फिर एक बार बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सबको आज की मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज की, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से अपनी सारी जानकारियां दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दवाई भी और कड़ाई भी जरूरी है। जो टियर 2 के शहर हैं, जो अभी तक बचे हुए थे कोरोना काल में, वो भी अब इसकी जद में आ रहे हैं, इसलिए हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।